यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के तीन चरण होते हैं। प्रीलिम्स और मेन के चरण में क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और ये चरण बाकी दोनों चरणों से काफी अलग होता है क्योंकि इसमें आपकी जानकारी के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी और आपकी अपीयरेंस का भी टेस्ट होता है। तो अक्सर कैंडिडेट्स इस चरण की तैयारी को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता है कि इंटरव्यू के लिए अपने अपीयरेंस को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है सिविल सेवा परीक्षा की साक्षात्कार के दौरान अपना पहनावा कैसे रखें। तो यूपीएससी साक्षात्कार वास्तविक व्यक्तित्व को उजागर करने और उन्हें पहचानने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इंटरव्यू में देखा जाता है कि क्या आपके पास ऐसे गुण हैं जो एक अच्छे नागरिक सेवक में होने चाहिए। तो इसके लिए कैंडिडेट्स को प्रैक्टिकली जवाब देने चाहिए। किसी भी सवाल के जवाब में लंबी और कल्पनाशील बातों के बजाय जो संभव हो वही जवाब दें। मगर एक और फैक्टर है जो इंटरव्यू के दौरान आपके फेवर या अगेंस्ट में चुपचाप अपना काम करता है और वो है आपका अपीयरेंस। तो दोस्तों, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तब आप उनकी अपीयरेंस को देखकर उनके बारे में एक राय जरूर बनाते हैं। मसलन, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, क्या उसने गंदी शर्ट पहनी है, क्या उसके जूते फटे हुए हैं। तो इनके आधार पर आप उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्प्रेशन बनाते हैं। इसी प्रकार जब आप इंटरव्यू रूम में दाखिल हो रहे होते हैं तब इंटरव्यूअर आपको पहली बार देखकर अपनी एक राय जरूर कायम करता है। आपका पहनावा, आपकी चाल ढाल, आपके बैठने का अंदाज, इन सब बातों के आधार पर वो भी आपके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्प्रेशन बना लेता है। इसलिए बेहद आवश्यक है कि साक्षात्कार के लिए आप अपने पहनावे का भी विशेष ख्याल रखें। तो आईएएस इंटरव्यू के लिए हमेशा फॉर्मल कपड़ों का ही चुनाव करें। तो फॉर्मल कपड़ों में व्यक्ति की पर्सनैलिटी गंभीर नजर आती है और उसका अपीयरेंस भी मैच्योर होता है। यदि आप पुरुष हैं तो ब्लेजर, प्लेन शर्ट, प्लीट्स वाली पैंट्स और टाई पहने। याद रखें कि टाई पहनना आवश्यक है। और अगर आप महिला हैं तो साड़ी पहने। कोशिश कीजिए कि साड़ी ज्यादा डल ना हो, ज्यादा ब्राइट भी ना हो और कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए और उन्हें अच्छे से प्रेस भी करें। ध्यान दें कि उनमें कोई दाग धब्बा ना हो और कहीं से कटे फटे हुए ना हो। और नए कपड़े खरीद कर पहनने से अच्छा है कि पुरानों कपड़ों में से ही कोई ऐसा सेट चुने जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। यदि आपको नए कपड़े खरीदने की जरूरत पड़ती है तो उन्हें इंटरव्यू से पहले पहनकर ट्राई जरूर कर लें। तो यदि उनकी फिटिंग में कोई समस्या है तो उसे फिट करा लें। तो इंटरव्यू के लिए ऐसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए जो आपको एकदम अच्छी तरह से फिट आते हों। बहुत ज्यादा ढीले या बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से इंटरव्यूअर पर एक नेगेटिव इम्प्रेशन जाता है। तो कपड़ों के साथ साथ जूतों पर भी ध्यान दें। तो पुरुष जो है वो लेदर के फॉर्मल शूज पहने और महिलाएं बिना हील वाली जो जूतियां हैं या सैंडल्स हैं वो पहन सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जूते फटे हुए ना हो, गंदे ना हो, भद्दे दिखने वाले ना हो। इंटरव्यू में कैजुअल शूज या चप्पल या बूट्स पहनकर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, मॉरल यही है कि आपका अपीयरेंस आपके इंटरव्यू में एक बड़ी भूमिका निभाता है और आपको तैयारी के साथ इस पक्ष का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं, सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।